नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, बाबा की सनातन शपथ, वहीं दूसरी तरफ भड़काऊ पथ पर चल रही है जमीयत, और उस जमीयत में अब शामिल हो रहे हैं कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण, मैं तो यही कहूंगी, हिंदू कुल में जन्म लेना उनके माता पिता के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे संतान को उन्होंने जन्म दिया। मैं बात कर रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो इससे पहले भी अपनी घटिया बयानबाजी के चलते सुर्खियों में आए थे। अब ऐसा इन्होंने इस बार क्या कह दिया है जिसके बाद तमाम तरीके की लाइमलाइट बटोर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि ये नेता फेमस होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। जब इन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं पूछ रहा है, तब ये इस तरीके की घटिया बयानबाजी करते हैं। सब बताऊंगी आपको, और आपको बताऊंगी किस तरीके से जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने घटिया बयानबाजी करी है, अजगर की तरह जहर उगला है, बिच्छू की तरह सनातन पर डंक मारा है। और मैं आज आपको बताऊंगी मौलाना तौकीर रजा के उस बयान के बारे में, जिस बयान को सुनने के बाद हर हिंदू का खून खौलने उठेगा। और आज बागेश्वर धाम सरकार का वो बयान आपको सुनाऊंगी, जिस बयान को सुनकर इन सभी मौलानाओं की, स्वामी प्रसाद जैसे नेताओं की टाए टाए फिस हो जाएगी, इनकी हवा निकल जाएगी और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार अपना मुंह कहां पर छुपाएं। दोस्तों, देश में तमाम कोशिशें की जा रही है सनातन को दबाने की। हमारे देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे नमक हराम लोग हैं जो देश का खाते हैं, देश में पीते हैं, कमाते हैं, लेकिन उसी थाली में छेद करते हैं, जिसपे नंबर वन पर वो मुसलमान हैं जो बंटवारे के समय अपने मुल्क में तो गया नहीं, भिखारियों की तरह भारत में शरण ले ली, लेकिन अब भारत की पीठ पर खुराब छुरा भोंप रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मौलाना मदनी की, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, जो अपनी गद्दी पर बैठकर घटिया बयानबाजी करते हैं, जिनका ताजा बयान आया है, जिनका कहना है कि भारत में जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है और उस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती करी है कि 70 साल पहले क्यों आखिरकार बैन नहीं किया गया बजरंग दल को, यानी कि जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी गलती का सुधार कर रही है, जो उसने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की मांग करी है। यानी कि ये मौलाना अब याद दिला रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि बेटा, ये एक्शन तो पहले लेना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं लिया। तो मौलाना मदनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने एक इनिशिएट उठाया है जो आज तक किसी ने नहीं उठाया है, हालांकि गलती भी बता रहे हैं, गलती तो हुई है लेकिन चलिए अब सुधार कर लिया है। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात करूं तो इस व्यक्ति के बारे में कुछ कहने पे भी मुझे लगता है मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। हिंदू कुल में पैदा हुआ है, हिंदू इसका नाम है, टीका लगाता है, गमछा ओढ़ता है, लेकिन बकवास करता है, घटिया बयानबाजी करता है और जमीयत के पथ पे चलता है। ये वही व्यक्ति है जिसने रामचरितमानस को जलाने की बात कही थी, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि हमारे स्कूलों में रामायण वगैरह जितने भी पाठ हैं वो नहीं होने चाहिए और रामचरितमानस समाज को बांटने वाला एक ग्रंथ है, उसे जला देना चाहिए। आज इस व्यक्ति ने बयान दिया है जिसे सुनकर हर हिंदू की खून खौल उठेगा। इस व्यक्ति का कहना है कि हमारे देश में जो व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहनता है, यानी कि सीधा सीधा टारगेट किया है हिंदुत्व को, संत समाज को, सनातन धर्म को, और कहा है कि वो भगवा आतंकवाद में लीन है, यानी कि वो व्यक्ति आतंकवादी है, और एक एक करके चेहरे सामने आ रहे हैं, सारे भगवाधारी सारे आतंकवादी हैं। ये बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य के, जिसका नाम भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। ये है कौन स्वामी प्रसाद मौर्य, हमें भी नहीं पता था, आप घटिया बयानबाजी कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा चर्चा में आ जाए, थोड़ा दुनिया जानने लगे, और हो भी गया है, सक्सेसफुल हो गया है मिशन इनका, बढ़िया बात है, फेमस हो रहे हैं, तो फेमस होने के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं वो सक्सेसफुल तो हो ही रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ मुझे शर्म आती है ये कहने में कि आज इनके माँ बाप कितने दुखी होंगे, जिन्होंने थोड़ा पूजा पाठ किया होता तो आज इस तरीके की औलाद नहीं जन्मी होती और ये इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। वही बात करें एक और मौलाना नंबर टू की, मैं बात कर रही हूँ मौलाना तौकीर रजा की, जिनका तो यही कहना है कि यदि हिंदू राष्ट्र की
बात करोगे तो हमारा बच्चा जाग जाएगा और यदि हम एक्शन मोड में आ गए तो पूरे देश को तहस नहस कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं जो सरेआम PFI का साथ देते हैं और भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन भारत को 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जो जो संगठन इस चीजों को अंजाम देता है उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया वकील हायर करते हैं और उन्हें छुटकारा दिलवाते हैं तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम कानून की प्रक्रिया से। और ये बात करते हैं भगवा आतंकवाद की और ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को गद्दार बताते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका ना कोई जमीर है, जिनका ना कोई धर्म है, जिनकी ना कोई बात है, लेकिन इन सभी की हवा निकाली है बागेश्वर धाम सरकार ने, जिन्होंने हुंकार लगाई है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा, जिसमें दम है, जो कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। इसी के साथ साथ गृह मंत्री गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हाँ भैया, गलती तो हुई है, 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से गलती हुई है कि इन कट्टरपंथियों को देश से निकालकर बाहर क्यों नहीं फेंका। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो आखिरकार क्यों इन लोगों को देश में रहने दिया और अब ये देश का बंटवारा कर रहे हैं, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश। और मंत्री गिरिराज सिंह ने ठान लिया है कि ऐसे जमीयत के कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन जरूर लेना है और इन लोगों की बकवास बयानबाजी पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। हम सभी ने देखा बिहार में किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार की एंट्री पर बैन लगाने की बात की गई, लेकिन किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार ने हुंकार लगाई और स्टेज से हिंदू राष्ट्र की बात भी करी। किसने क्या कर लिया उनका, किसने क्या बिगाड़ लिया उनका। बाबा गए और आ भी गए और आज फिर से मौलाना मदनी के बयान पर बागेश्वर धाम ने हुंकार भरी है और फिर से इन सभी को इनकी औकात याद दिलाई है। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।